लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की। दर्ज जीत के बाद बीजेपी और पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए। सऊदी अरब में पहली बार योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। 112 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। अमेरिका में बीजेपी के सहयोगी संगठन जांच के घेरे में। लॉबिंग मामले में FARA कानून के तहत चल रही कार्रवाई। अमेरिका में नागरिकों के विदेशी सरकारों के लिए लॉबिंग करना अवैध। बास्केटबॉल स्टार के लिए मौत के सौदागर को किया रिहा। अबूधाबी एयरपोर्ट पर अमेरिका रूस ने बदले कैदी। इंडोनेशिया में 17 दिनों में तीसरी बार भूकंप रिएक्टर स्केल पर मापी गई 5.8 तीव्रता। इंडोनेशिया में 17 दिनों में तीसरी बार भूकंप रिएक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता। लोगों में दहशत का माहौल। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में होंगे चुनाव। लगातार पांचवीं बार पीएम बनना चाहेंगे शेख हसीना का मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा विपक्ष। पुतिन की यूएस को धमकी। कहा हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार, फिर भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इंडोनेशिया के सुमात्रा में शुक्रवार को एक कोला खदान में हुआ विस्फोट। हादसे में 9 मजदूरों की मौत, 2 घायल, 1 मजदूर की तलाश जारी। सऊदी अरब पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धार देने की कोशिश। 2020 की शुरुआत के बाद से जिनपिंग की तीसरी विदेश यात्रा। पाकिस्तान के गुरुद्वारे पर ताला। लाहौर में 277 साल पुरानी गुरुद्वारे को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मस्जिद बताया। गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर इस पर कब्जा करने की फिराक में। पाकिस्तान में 80 लाख लोग बाढ़ में फंसे। बीमारियों और खाने की कमी से जूझ रहे अब 25 लाख करोड़ का नुकसान। उसकी 100 मोस्ट पावरफुल वुमन में 6 भारतीय महिला शामिल। निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार लिस्ट में हुई शामिल। चालीस फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम। रेस्क्यू टीम ने 45 फीट गड्ढा खोदा। अब टनल बनाने का काम शुरू। छत्रपति शिवाजी के दौर में इलेक्ट्रिक बल्ब देखकर भड़के यूजर्स। अक्षय कुमार की लगाई क्लास, बोले भला थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। मारुति के बाद अब टाटा की कारें भी होगी महंगी। जनवरी कंपनी जनवरी 2023 से अपने सभी कार मॉडल्स की प्राइस बढ़ाने का प्लान बना रही टाटा। अगले साल श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा भारत। BCCI ने किया शेड्यूल का ऐलान। जनवरी में श्रीलंका के दौरे से होगी शुरुआत। कर्नाटक में कुछ देर के लिए बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। मस्क को पछाड़कर पहुंचे टॉप पर। शेयरों में गिरावट के बाद दोबारा लुढ़के। इस साल तक राजा घोड़े ने निभाई पुलिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। पुलिस विभाग ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। घुड़सवार लायन तैराकी कैंप में राजकीय सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर रेसिंग साइकिल मौत, देवी दावत। रेसिंग साइकिल गाड़ियों को करती है ओवरटेक। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हुआ गृह प्रवेश का कार्यक्रम। पवई नगर के वार्ड क्रमांक 7 में हितग्राहियों को गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ संपन्न। हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ में झूमे कांग्रेसी कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद पर घमासान। 5 घंटे देर से शुरू हुई विधायकों की मीटिंग। प्रतिभा सुक्खू समर्थक के बीच में धक्का मुक्की। चक्रवात मैंडू से तमिलनाडु में बढ़ा बाढ़ का खतरा। तटीय इलाकों में सैकड़ों उखड़े पेड़। 13 जिलों में स्कूल बंद। चेन्नई से दर्जन भर फ्लाइट्स हुई कैंसिल।